नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन कर मैरिज करने वालों को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि यदि आप सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन करते या कराते हैं तो वो वैध नहीं माना जाएगा। इसके लिए उसका इस्लाम में आस्था और समझ जरूरी है और मकसद बड़ा होना चाहिए, सिर्फ शादी नहीं। और इसके साथ ही जो जोड़ा गया था उच्च न्यायालय में सुरक्षा मांगने के लिए, उसकी याचिका खारिज कर दी और कह दिया कि जाइए संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराइए। इसके पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया था। अब बारी उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार की थी। सो एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने एकदम क्लियर कर दिया कि अब इस पे सरकार कार्रवाई करेगी, यानी कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। कहा था वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब यह है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य यही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के इस अवसर पर आपको बता दें कि मेरठ से लेकर के कानपुर तक एक के बाद एक कई घटनाएं जब प्रकाश में आई थी, उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली थी और इस पे अफसरों से ड्राफ्ट बनाने की बात कही थी कि कैसा कानून बनाया जा सकता है। अब उन्होंने पब्लिकली ऐलान किया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाएगी और साथ में ये भी कहा है कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा करके बहन बेटियों के रिस्पेक्ट के साथ खेलते हैं वो तैयार हो जाएं। यदि आप ऐसे कानून के रास्ते पे नहीं आएंगे तो फिर राम नाम सत्य जर्नी शुरू हो जाएगी। राम नाम सत्य जर्नी क्या होती है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने संकेतों में साफ बता दिया है कि बहन बेटियों का सम्मान करो और सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन अब नहीं चलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। दरअसल हाल के दिनों में जो बहुत सारी घटनाएँ प्रकाश में आई है उसमें ये बात भी आई है कि जानबूझ करके धर्म परिवर्तन, ख़ास तौर से हिंदू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मैरिज की है और उसको फिर मकसद सिर्फ होता है एक से अधिक शादियों का और धर्म परिवर्तन कराना। जबकि शादी का यदि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उसमें धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो। आप किस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए ये सब करते हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ क्लियर है, स्पष्ट है। समाज में रोज़ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही है, उसी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे थे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और